जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे एक बात बताइए कि आपने कितनी बार इस गवर्नमेंट को वोट दिया है? एक बार भी नहीं। कमाल की बात, आपने एक बार भी वोट नहीं दिया और उम्मीद रखते हैं कि ये गवर्नमेंट आपके घर में राशन भरवाएगी। आप हैं कौन? Who are you? मैं ब्रिटिश नागरिक हूं। आप ब्रिटिश नागरिक नहीं है, आप वो नाग हैं जो ब्रिटिशर्स ने वहां से उठा के यहां फेंक दिया इंडिया में, एंड दे आर नॉट टेकिंग यू बैक नाउ। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है विभू। अरे ये गलत बात है, मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मेरे पीछे पड़ी है हाथ धोके कि वापस आ जाऊं मैं लंदन। अगर वो हाथ धोके आपके पीछे पड़ी है ना, तो आपने ही कुछ किया होगा, कुछ करके फरार होंगे आप। तू मेरे लिए इतना जहर क्यों उगल रही है? क्योंकि आप यहाँ पे शराब पी रहे हैं और कुछ उगल नहीं रहे हैं। अरे तो मैं क्या उगलू? उसकी मुराद नोटों से है। नोटों के लिए नोट। अरे तो मेरे पास है खाजो, मैं उगल दूं, तू भी कह रहा नोट। लेकिन इस बार जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, 50,000 की। तो तुम मुझसे क्यों मांग रही है? क्योंकि आप भी इस घर में रहते हैं चाचा जी। लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूं ये बता, मैं तुझे नहीं दे सकता। अगर आप नहीं दे सकते ना, तो अपने भतीजे से बोलिए वो लाके दे एनी हाउ। लेकिन मैं कहां से लाके दूंगा यार, मेरे पास तो 50 पैसे नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने शर्मा अंकल को 50,000 रुपए नहीं दिए ना, तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे। और इस बार मैं अकेले नहीं देने वाली, या तो चाचा जी देकर इस घर में रहेंगे, या तो तुम मुझे 50,000 रुपए लाके दोगे। वरना वरना क्या, मैं ये घर खाली करने जा रही, ढूंढ लो ठिकाना। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और भाभी जी नेवर एवर। हाँ जी, अरे कहा बताएं, कानपुर में जो है वो गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, अरे वो अपने बगीचे वाले विनोद बाबू है ना, उनकी बीवी को कुछ मंचलों ने छेड़ दिया जी। अब वही तो कहने जा रहे हैं, अरे जब इतने बड़े आदमी की बीवी छिड़ सकती है, तो हमारी क्या बिसात, आज नहीं तो कल हमारी भी छिड़ेगी। अरे नहीं नहीं कहा है ना क्या। क्या बात है भाभी जी, आप रिक्शा चला रही? अरे बाबूजी, जब बसंती औरत होके तांगा खींच सकती है, तो हम औरत होके रिक्शा काहे नहीं चला सकते हैं? वाकई वाकई, लेकिन लेकिन आपका ये जो भोजपुरी वर्जन है ना, ये पहली बार देख रहे हैं। अरे बाबूजी, हमारे अंदर इतने भरजन है ना, कि हम सारे के सारे दिखा दिए ना, तो आपके सारे भर्जन हील जाएंगे। क्या बात है, लेकिन आप चला रही है रिक्शा? अब जहां तक रिक्शा चलाने का सवाल है, तो जिस मेहरारू का पति निपट निकम्मा हो, उसको अपना पेट पालने की खातिर रिक्शा तो चलाना पड़ेगा ना। लेकिन भाभी जी आप, अरे ये सब फालतू की बातें छोड़िए और ये बताइए कि कहाँ जाना है, छकरकट्टी, रामनारायण मार्केट, दाल मंडी, अफीम कोटी बनाना? क्या बात है भाई, आपको तो कानपुर के गली कूचे सबके नाम याद है। अब जब हमारा बिजनेस ही यही है, तो नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। चलिए तो झकरकटी चलिए। 2,000 होंगे। आए? दो हजार?
ये तो बहुत ज्यादा है भाभी जी। एक्सक्यूज मी, ये रिक्शा भी कौन फालतू रिक्शा नहीं है, हमारा रिक्शा है। हाँ लेकिन फिर भी 2000 तो ज्यादा है। अगर कैश नहीं दे सकते तो आपको हमको आई लव यू बोलना पड़ेगा। आई लव यू बोलना पड़ेगा। आपका रिकॉर्ड अटक गया है, पूरा बोलिए। तो वो बाकी बोल दे भाभी जी। आपका सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेके आए का, पूरा बोलिए। आई लव यू। अरे भा एक बार डार्लिंग भी लगाइए ना। आई लव यू डार्लिंग। I love you, darling. I love you, my darling. I love you. I love you, my darling. I love you. I love you, my darling. I love you, my darling. लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या हुआ? का? तो कुछ नहीं कहा। ओ ओ ओ डार्लिंग लव यू, डार्लिंग लव यू का। तो तुमको ही बोले ना पगली। हमको बोल रहे थे। सच्ची हमको बोल रहे थे। आप पगली तुम्हें को बोल रहे थे। लेकिन आप तो हमको डार्लिंग ना ही बोलते हैं, पगली पगली बोलते हैं। हाँ तो प, 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 पगली पगली ही तो बोले। लेकिन हम तो ना ही सुने। वो क्या है कि वो पगली शब्द जो है ना वो साइलेंट पे था। पगली साइलेंट पे काहे था? साइलेंट पे था, वो हो जाता है। सच्ची पगली बोले थे? पगली तो वो सुनाई नहीं दिया, पगली ही बोले थे। हाँ लेकिन साइलेंट पे ना ही रखे, नहीं तो हम वायलेंट हो जाएंगे। अभी अभी सो ही जाओ, सुबह बात करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।